निशा जी, आपके करोड़ों फैंस हैं, इतनी ज्यादती क्यों? मतलब आप इतनी देर बाद क्यों हैं? आप योगी जी के सीएम बनने का वेट कर रही थी आप? इतनी समय बाद क्यों आई आप? Now, I was waiting for the right script. Also, I had to recover completely and all that. पर मनीषा जी ने एक बीमारी का सामना किया और उससे लड़के आज हमारे सामने एकदम तंदुरुस्त हैं. हम भगवान से कामना करते हैं कभी भी आपको कोई दुख ना पहुंचे और आप बहुत ही ब्यूटीफुल मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच कपिल. मैम, आपके आपके दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे ना नेपाल के? जी. तो आपकी फैमिली में और भी दो लोग मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. जी. सो या आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली. एक फैमिली में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, आपके तो टिफिन पे भी लाल बत्ती लगती होगी कि नहीं? अच्छा, फिर तो आप पे स्कूल कॉलेज में तो कोई लाइन ही नहीं मारता होगा प्रधानमंत्री की फैमिली से. होते थे, बट आई थिंक आई हैड अ सिक्योरिटी विद मी एंड सो दैट वाजंट. कहां बंदूक के साव में प्यार निकलता है किसी को देख के? नहीं, हम तो कभी जुर्रत ही ना करें. पर मैं किसी प्रधानमंत्री की फैमिली में से किसी को पहली बार मिल रहा हूँ. मैं पहले डर रहा था कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं या दूर उसके कोई कुर्सी लगा लूं. पर बहुत ही चिल्ड आउट है मनीषा. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. मनीषा जी, ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, बच्चों ने पूछा था ये जो बैठे हुए हैं, कि जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे दादा बचपन में हमें ऐसे घोड़ा बन के पीठ पे घुमाते, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, वो तो नहीं ऐसे करते होंगे आपको खिलाफ? उन्होंने तो ओरिजिनल घोड़े लेके दे दिए होंगे. ये सुनने में लगता है प्रधानमंत्री एंड इट मस्ट बी लाइक रियली ऑल दैट जैज, बट बहुत ही सिंपल रही मेरी परवरिश. बहुत ही सिंपल रही, ऐसा कुछ ताम झाम शाम ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं. तो फिर आपका फिल्मों में आना कैसा हुआ? सारी फैमिली तो पॉलिटिकल आपकी. हाँ जी, आई थिंक आई वाज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली. सो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो शी अग्रीड. Because उनकी भी शायद बचपन में ख्वाहिश थी कि she would get into movies and her days. तो फिर आपकी दादी जी के कहने पे मतलब वो मान गई? हाँ, उनको एक बार मना लिया मैंने, तो फिर बाकी चुप थे. तो उसके बाद फिर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड में कैसा आना हुआ? I came here, my mother is here. नमस्कार मैम, मनीषा जी के मम्मी जी यहाँ पे मौजूद है. मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक्स फॉर कमिंग मैम. तो फिर मम्मी ने आपको मम्मी को मैंने एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल किया था. अच्छा. कि बर्थडे प्रेजेंट मुझे चाहिए, आप मुझे बॉम्बे लेके चलिए. और मम्मी की एक दोस्त थी मीनायर कह के, और उनको उनसे मैंने बात कर ली थी कि मीना दी मुझे बॉम्बे में अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह से मुलाकात कर रहे. तो मम्मी और मैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे. ओके. एंड देन वी मेट कपल ऑफ फिल्म मेकर्स एंड Rest is history. तो बहुत कमाल की शुरुआत की आपने. अच्छा, 1991 में सौदागर से डेब्यू किया था ना आपने? जी. तो सौदागर में सुभाषगी साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू सी में था. उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे. तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था उस फिल्म में. तो मनीषा मैम, आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था. अच्छा. तो आई वॉज क्वाइट फियरलेस. जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, यू नो दैट वाज क्वाइट अ ब्रेक वी गॉट. बट इनिशियली आई हैड नो आइडिया. पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी. तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी बिल्कुल, काफी आशीर्वाद दिया, काफी प्यार करते थे वो लोग. दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी. राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है. मतलब बड़े ही उनका अंदाज बड़ा निराला था. एक बार तो कहते हैं कि जीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, तो उनको देख कहते इतनी खूबसूरत तो फिल्म में काम क्यों नहीं करती, ऐसे बोल देते थे. तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मजाक करते थे, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं था इसलिए क्यूरियोसिटी. या आई थिंक ही वुड से समथिंग लाइक दैट. एंड आई एक्चुअली डू रिमेंबर, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट आई वुड, आई वाज डूइंग अनदर फिल्म विद हिम एंड इन अ रो वन और टू फिल्म ऑफ माइन हैड फ्लॉप्ड. माय नेचर वाज आई वाज ऑलवेज अ क्वाइट पर्सन दैट सेड. सो ही सेड कि तुम परेशान इसलिए हो कि फिल्में फ्लॉप हो गई हैं बेटे,
पिक्चरें तो ये बंदर बनाते हैं, तुम नहीं, तुम तो ही मेंट द डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस. बिंदास थे वो. यार आई वाज ऑलवेज वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम. आई डोंट नो व्हाट वुड ही वुड से. एक्चुअली किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है. अच्छा भाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है. जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, उन्होंने गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण. और वो लिखते ही गए. एक्चुअली गाने में पहले इतनी लाइनें नहीं थी तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया. जावेद अख्तर साहब ने तो मनीषा जी के लिए लिखा. मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, आपकी अपनी पर्सनल बीवियाँ हैं जो, या अपनी गर्लफ्रेंड हैं, आप उनके लिए मैक्सिमम कितनी बातें बोल सकते हैं? कोई है यहाँ पे हमारे दोस्त? अच्छा मैडम, महिला ने हाथ खड़ा किया है, इनके लिए जोरदार तालियां. मैं अपने हस्बैंड के लिए बताऊंगी. हस्बैंड आए हैं साथ में आपके? जी बिल्कुल. अच्छा कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी. तो इनके लिए मैक्सिमम आप कितनी लाइनें बोल सकती हैं ऐसी? मैं गाना गा के बताऊंगी ना. प्लीज प्लीज. मेरे हस्बैंड को देखा तो ऐसा लगा जैसे सलमान खान, जैसे शाहरुख खान, जैसे ऋतिक रोशन, जैसे अजय देवगन. और आगे जैसे सर अजय देवगन तो इनको पूरा मोहल्ला बोलता है. नहीं और उसके आगे क्या बात है. जैसे आप भी उनकी काजोल है. पर सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी. ये मुझे हमेशा उल्टा, मुझे कभी रेड ड्रेस में हुई ना तो मुझे बोलते हैं टमाटर है जैसी दिख रही है तू, या कभी ऑरेंज ड्रेस में हो तो संतरे जैसी दिख रही है. आज तो मुझे आलू बोला इन्होंने. जी आलू बोला आज. आप सब्जी मंडी में काम करते हैं? अपनी बीवी को आलू संतरा कौन बोलता है? नहीं, जिसको आलू के पराठे पसंद होते हैं वो आलू बोल देता है. पर भाई साहब तो लगता नहीं ज्यादा पराठे भी खाते हो. कहाँ से आए सर आप? कोलना से सर. मुंबई में ही है? नहीं सर, नागपुर के पास में. नागपुर के पास? तभी तो नहीं संतरा संतरा बोल देते आप बीवी को? नागपुर के संतरे बड़े फेमस है. क्या करते हैं सर आप? फार्मास्यूटिकल होलसेल है. अच्छा जी, तो दवाइयों के नाम ले लिया करो. आपको अगर अपनी वाइफ के लिए 4 लाइनें 5 लाइनें कुछ बोलनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर 22 साल हो गए शादी को, रोज 22 साल में 11 लाइनें बोल दो. रोज शाम को फोन आता, कभी आलू लाओ, कभी भिंडी लाओ. इसीलिए आप बोलते हैं? कभी तो रोज ये जो भी ड्रेस पहनती है कलर का वो नाम बोल देता हूँ. पर वो उन्होंने कितना स्वीटली आपके लिए गाना गाया, आपने कुछ नहीं है? नहीं सर, दिल भी नहीं करता. चलिए शुक्रिया. और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब. हाय, वो आपकी वाइफ ही है ना? सॉरी वाइफ है सर. पहले ही हंसने लगी हो तो. जी कुछ भी अपनी वाइफ के लिए. मेरी पूजा को देखा तो ऐसा लगा जैसे वड़ा पाव है, जैसे कांदा पोहा है, जैसे गुलाब जामुन, जैसे काजू कतली, जैसे वो अपनी गुरु. ओ गुरु, तू अपनी घरवाली को कांदा बोल रहा है? मैं तो हैरान रह गया हूँ यार. हर 2 दिन के बाद कांदा बोया खिलाते हैं. कांदा तेरे को पता है, an apple a day keeps the doctor away and onion a day keeps everybody away. पूजा जी कहाँ से हैं आप दोनों? चेंबूर. चेंबूर से. आप बात खुल के हंसती हैं, आपको हंसाते हैं घर में? बहुत. अच्छा काम वाम नहीं करते? करते हैं. शादी आपकी लव मैरिज हुई क्या? लव विद अरेंज. लव विद अरेंज, क्या बात है. तो ऐसे घर पे भी कभी कभी सुनाते हैं हमको गाना वाना का? नहीं सुनाते. सुनाते हैं? हंसी निकल लगा? ऐसा लगता है इसको चाबी दे दिया. अच्छी बात है, खुश रह रहे. मोटर पर रुक जा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करेगी क्या? अच्छा हंस हंसी खुशी में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. हंस के दिखाओ. थैंक यू सर. शुक्रिया शुक्रिया. बिल्कुल. मनीषा जी ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार जो खान हैं उनके साथ काम किया, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान. अच्छा आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? I enjoyed working with everybody. आपको पता है जब आपकी गुप्त फिल्म आई थी ना तो हमारे तब नया नया वो शुरू हुआ था डॉल्बी सिस्टम अमृतसर में. मजा आ गया था आपको देख के. जब आप स्क्रीन पे आई ना तो आता था बड़ा मजा आता था देख के. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठी हुई है.
और वो काजोल इनको छुरे से मारती, मेरे मन में यही था कि यार मुझे अच्छी तो काजोल भी लगती है, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इतना वो कंसर्न होता था। पर बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। थैंक यू। याद रखना प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। हेलमेट पहन के बैठ जाऊं मैं। अच्छा मैम, हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं, शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। जैसे आमिर सर हमारे शो में कभी नहीं आए, तो क्या आमिर सर रियल लाइफ में भी ऐसा कहते हैं, ओ यार तेरी, हर बात से पहले तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, आई डोंट नो। जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो भी हमारे शो पे कभी नहीं आए, तो कभी जाने का मौका नहीं मिला कि अगर उनको कोई चीज पूछो कि सर बाहुबली देखी कैसी लगी, तो ऐसे कहते अच्छा है, ऐसा होता है? ऐसे नॉलेज के लिए आपको बता, मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अग्नि साक्षी में उन्होंने आपको ऐसे, मतलब फिल्म में ऐसा किरदार था कि शक्की पति होता है ये वो, मुझे बड़ी नफरत हुई थी उनसे। बाद में मिला तो मुझे लगा ये तो बड़े अच्छे आदमी है। पर होता है, आपको आपको प्यार हो जाता है आपके जो चहेते हीरो हीरोइन होते हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।